और इस बजट पर अवामी रद्दअमल भी सामने आ गया। अवाम की समझ नहीं आ रहा कि इस बजट में सस्ता क्या हुआ है। आइए जानते हैं अवाम क्या सोच रहे हैं। ये बजट है, इसमें कोई भी जाहिर जहूर पे आवाम को रिलीफ मिलने की कोई भी कोशिश मुतवक्के नज़र नहीं आ रही। रोज़गार भी नहीं है तो आटा ले, कपड़ा ले, कौन सा ले, बच्चों को पढ़ाए, किधर जाए हम। आप देखें, अभी पहले से ही महंगाई बढ़ी हुई थी, अभी इस बजट में इसने और हर चीज़ महंगी कर दी है। अभी हम जो है ना वो बच्चों को कैसे पढ़ाएं। गरीब आदमी बहुत तंग है ना, लिहाजा इन्होंने ना इस हुकूमत करने का कोई हक नहीं। हुकूमत की नाअहली का सबूत है, इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आवाम के लिए बिजली महंगी, गैस महंगी, दालें महंगी, चीनी महंगी, गोश्त महंगा, क्या ये तब्दीली इसी का नाम है। गालिबा 8-10 घंटे मेहनत करता है, उसके बाद फिर जो है ना रात को उधर मकान पे जाना पड़ता है, रोटी शोटी, फिर बच्चों के लिए हम क्या कमाए। अल्लाह ताला हुकूमत को हिदायत देगा तो सस्ता होगा, रेट कम होगा। 500-700 ना क्या कैरी शायद पूरी करूँ, बच्चे नहीं पूरी करूँ, कैरी शायद बच्चे नहीं पूरी करूँ, कपड़े भी पूरे करूँ, ईदें नहीं करूँ, जूतियाँ नहीं करूँ, कैरी शायद महंगी ऐसा पूरी करूँ। दूध महंगा कर दिया है, बोतल महंगी कर दी है, उसके बाद काफ़ी चीज़ों के ऊपर जो चीनी महंगी कर दी है। ये बजट 50-50 है, कोई इतना रिलीफ नहीं दिया। लोअर तबका है डेफिनेटली इन पे इस चीज़ के मनफी असरात मरतब होंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में इसके मस्बत असरात मरतब होंगे। मौजूदा बजट जो है ये तो बिल्कुल जो है ना आवाम दुश्मन है। आम जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, गैस, सब्जियात, गोश्त, इनकी रेट्स इतने बढ़ा दिए गए हैं कि गुरबत ख़त्म हो या ना हो लेकिन गरीब जो है ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। आज जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बजट पेश किया, इसमें कुछ पॉलिसियाँ अच्छी भी हैं। पॉलिसी ये अच्छी है कि इन्होंने सिगरेट जैसे फजूल चीज़ों पर जो टैक्स लगाया बहुत अच्छा किया। तूफान ऐसा आया कि माड़े लोगों की इन्होंने कवर कार्ड छड़ी है। चीनी भी बढ़ा दी है, चाय की पत्ती, आटा, चावल, हर चीज़ में महंगाई हो रही है, हर चीज़ में।